Hello everyone, I'm Tanya and welcome back to Tanya's kitchen channel. Friends, आज मैं अपने किचन में मोमोज की चटनी बनाऊंगी. मोमोज की चटनी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है. यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, अजीनोमोटो लिया है, नमक लिया है, अदरक ली है, चार टमाटर लिए हैं. यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मिर्ची ली है, विनेगर लिया है, सोया सॉस लिया है और एक ग्लास पानी लिया है. सबसे पहले हम एक ग्लास एक बर्तन में पानी डालेंगे. इसको बॉईल होने रखेंगे. पानी बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें मिर्ची डालेंगे. पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे. टमाटर भी अभी डाल देंगे. अब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे. हम इसको ढककर बॉईल करेंगे. देखिए हमारी मिर्ची और टमाटर अच्छे से बॉईल हो गए हैं. अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे. ठंडा होने के लिए रख देंगे. इसमें से टमाटर अलग निकाल लेंगे. एक बर्तन में जब ये हमारे टमाटर ठंडे हो जाएंगे तो हम इसका ये चिकन हटा देंगे. इस पे से टमाटर ठंडे हो गए हैं, अब हम इसके छिलके उतार लेंगे. हमने टमाटर को तब तक बॉईल किया था जब तक इसके छिलके उतरने लगे थे अपने आप. सारे छिलके इसी तरह से उतार लेंगे. हम सारे टमाटर का छिलका उतार दिया है. मेरी मिर्ची भी अब ठंडी हो गई है. अब हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे. हमने मिर्ची का पानी नहीं निकाला है, यहाँ पर इसको ब्लेंडिंग जार में ही डाल देंगे. इसी में हम टमाटर डाल देंगे. यहाँ पर जो हमने अदरक ली थी वो अदरक भी इसी में डाल देंगे. इसको हम ब्लेंड कर लेंगे. अपना मिक्सर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे थोड़ा सा. और अब हम अपनी चटनी को फ्राई करेंगे. अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था चटनी का वो डाल देंगे. अब हम इसको चलाएंगे. इसमें जो हमने अजीनोमोटो लिया था एक चम्मच वो डाल देंगे. अभी स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि अजीनोमोटो भी नमकीन होता है, इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालेंगे. चलाएंगे. इसमें हम एक चम्मच विनेगर
और एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे। हमारी मोमोज की चटनी बन गई है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी मोमोज की चटनी तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मोमोज की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।